तो दोस्तों, क्या हाल चाल? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीजीएमआई बैन के ऊपर, जो भी 6 मार्च को 2024 को न्यूज़ आ रही है, बीजीएमआई बैन हो रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि मेन क्या कारण है कि इस वजह से बीजीएमआई वापस बैन हो रहा है। तो दोस्तों, बात सही है, बीजीएमआई वापस बैन हो रहा है। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं उसको आपके पास ज़रूर पहुंचाऊंगा, वीडियो के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। अगर एक छोटी छोटी अपडेट आती है तो भी मैं आपके पास ज़रूर पहुंचाऊंगा। कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर या कोई पेरेंट्स कहते थे, गवर्नमेंट को मैसेज भेजते थे कि भाई ये इशू है, इस वजह से ये हो रहा है, तो गेम को बैन करो। इस बार क्या हुआ, जो गवर्नमेंट साइबर एजेंसी है, उन्होंने ही गवर्नमेंट को मतलब मैसेज कर दिया कि बीजे तो पेरेंट्स का तो चलता था, गवर्नमेंट समझती भाई उनका लड़का खेल रहा होगा या लड़की खेल रही होगी, तो उस वजह से ये इन्हें परेशानी हो रही है। पर गवर्नमेंट एजेंसी अगर क्लेम कर दे कि भाई बीजीएमआई बैन करो, तो बैन तो होना पक्का है। अब उन्होंने मेन सीमा हैदरवाला केस बताया है, और भी है इशू, जैसे किसी दूसरे देश से हमारे VPN लगा के बीजीएमआई खेल रहे हैं, बहुत खिलाड़ी है जो यूट्यूब पे भी है, चैनल ही एक दो का जो VPN के थ्रू बीजीएमआई वगैरह खेलते हैं। और जैसे सर्वर डाटा हो गया, वो डाटा वाला सर्वर हो गया, जैसे हमारे किसी कंट्री से दोस्ती नहीं है और उस कंट्री में हमारा सर्वर है बीजीएमआई का, तो वो भी गवर्नमेंट ने इसमें इशू बताया कि वो नहीं होना चाहिए। तो मैन 28 दिन का टाइम है, अब आज भी बंद हो सकता है और 28वें दिन भी बंद हो सकता है। 28 दिन 4 वीक के अंदर अंदर बीजीएमआई बैन होना पक्का है और प्ले स्टोर से भी हट जाएगा। अब वो 28 दिन के अंदर अंदर होगा, जो भी होगा, जैसे आज शाम तक हो जाए और 28 दिन तक भी ना हो, 28वें दिन हो, तो ये सीन है। तो बीजीएमआई तो बैन तो होना पक्का है। अब वापस गवर्नमेंट ने 4 वीक के अंदर क्राफ्टन वाले भी अगर कुछ रिस्पॉन्स वगैरह क्या करते हैं, देखते हैं। वैसे एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ने इसकी सूचना क्राफ्टन को दे दी है, भाई हमारे हमारे ये इशू है। क्राफ्टन ने अभी तक वापस रिस्पॉन्स नहीं किया, बहुत लेट रिस्पॉन्स करती है। बीच में ही पबजी पहले भी बैन हुआ ना, तो क्राफ्टन वाले दो दो तीन तीन मंथ तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम भी ट्राई कर देखते थे कि भाई क्राफ्टन वाले रिस्पॉन्स करें, पर वो नहीं करते थे। इस बार भी उन्हें रिपोर्ट तो भेज दी है, अब क्राफ्टन वाले देखते हैं क्या करते हैं। पर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मामला है देश का, तो फिर बैन तो होना ही चाहिए। वैसे तो मैं भी बहुत 2018 से खेल रहा हूँ, लगभग पबजी सीजन 4 में मैं आया था, मैंने स्टार्ट किया था। चलो दोस्तों, अगर और भी कुछ न्यूज़ अपडेट वगैरह आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, वीडियो कम्युनिटी पोस्ट जैसे भी। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।